कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, और इसी का दूसरा नाम गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी है। तो ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिस दिन से आप पढ़ रहे हैं और आज तक के सारे कॉन्सेप्ट का समावेश है आज के इस टॉपिक में। जैसा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब स्टडी किए थे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल था, एक था एनोडिक हाफ सेल और एक कैथोडिक, मतलब एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पर लगातार इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था और कैथोड पर गेन, और इस क्रम में लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की ओर हो रहा था। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बनने से करंट का सप्लाई शुरू हो गया कैथोड से एनोड की ओर। तो यहां पर इस दोनों के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस ओरिजिनेट हुआ, जिसको आप ईएमएफ कहते हैं। यानी लगातार कोई गैल्वेनिक सेल फंक्शन में होता है या कोई बैटरी फंक्शन में होता है, तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करने के दौरान वो लगातार ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, मतलब सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑब्टेन करता है, और ये पोटेंशियल कैपेसिटी देता है बैटरी को फंक्शन करने में। यानी आप अपना बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बैटरी सेल के माध्यम से, तो वहां पर केमिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके आपको देता है, तो आप यूज कर पाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो जब कोई सेल लगातार ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, तो वो ईएमएफ प्रोड्यूस करने के क्रम में लगातार अपने एनर्जी का ह्रास करता है, लॉस करता है। आपको बता दें कि गिब्स नामक साइंटिस्ट ने इस लॉस एनर्जी का, जो सेल लगातार ईएमएफ प्रोड्यूस करने में अपने एनर्जी का ह्रास करता है, इस लॉस एनर्जी का पहली बार स्टडी गिब्स नामक साइंटिस्ट ने किया, और उसी लॉस एनर्जी का, उसी डिक्रीज एनर्जी का नाम है फ्री एनर्जी। और उसी फ्री एनर्जी चेंज का स्टडी करने के कारण गिब्स को ये सम्मान के तौर पर इस टॉपिक का नाम रखा गया है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और ये किसी रिएक्शन के दौरान होगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फंक्शन में होता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करने के क्रम में वो लगातार ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करने से लगातार उसके ऊर्जा का ह्रास होता है, और आप उस पोटेंशियल का यूज करते हैं किसी दूसरी जगह, तो लगातार वो जो एनर्जी का ह्रास करता है, उसकी एनर्जी जो लॉस होती है, उसी लॉस एनर्जी का नाम है फ्री एनर्जी चेंज। और इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट गिब्स नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। सवाल उठता है कि हम इस फ्री एनर्जी चेंज के मान का कैलकुलेशन, वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो फ्री एनर्जी चेंज का कंप्लीट वैल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर होता है। अब आइए, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना होता है। तो आप सभी स्टूडेंट 10th क्लास से ही इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बारे में पढ़ रहे हैं, W बराबर V की, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन W इक्वल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ऐसे तो वर्क बहुत सारा होता है, वर्क जो होता है मैकेनिकल वर्क डन भी होता है, ये मैकेनिकल वर्क डन है ग्रेविटेशन के अधीन, ये W इक्वल एफ एस, ये ग्रेविटेशनल वर्क डन है, ये मैकेनिकल वर्क डन है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। तो यहां पर आप यूज क्या कर रहे हैं, डॉट एस जो भी, तो यहां समझिए हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन का बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन कहां से कैलकुलेट होगा, तो वही जो 10th क्लास में आप पढ़े हैं, टोटल चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहां पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड के रूप में होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एक बार फिर से बता दें, डिक्रीज इन एनर्जी का कैलकुलेशन, यानी फ्री एनर्जी चेंज का कैलकुलेशन इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है, और इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टोटल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो यहां पर टोटल चार्ज की जगह
आप यहां ले रहे हैं एनएफ, नंबर ऑफ फैराडे, ये पूरा क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड आप इक्वल अच्छे से जानते हैं क्या होता है, ई से। और यहां इलेक्ट्रिकल वर्क डन पूरा पूरा गिव फ्री एनर्जी चेंज के, यानी फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं फ्री एनर्जी चेंज, या अभी यही लिख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन, एक स्टेप बाद इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और एक स्टेप बाद इलेक्ट्रिकल वर्क डन फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल है, तो हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन को हटाते हुए फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज के कंप्लीट इक्वल हम इलेक्ट्रिकल वर्क डन के वैल्यू को लिख दिए, इलेक्ट्रिकल वर्क डन के वैल्यू को लिख दिए। और अब फ्री एनर्जी चेंज को इस साइंस के दुनिया में डेल्टा मतलब चेंज और फ्री एनर्जी मतलब जी, तो फ्री एनर्जी चेंज हो गया। अब ये लगातार लॉस करता है एनर्जी, इसलिए लॉस एनर्जी को यहां पर माइनस से रिप्रेजेंट किया रहा है एनएफ ई नॉट सेल, ई सेल बल्कि एनएफ एनएफ ई सेल। और अब डेल्टा जी का फाइनल फॉर्मूला माइनस एनएफ ई सेल, तो ये आपका गिव फ्री एनर्जी चेंज का कंप्लीट फॉर्मूला मिल गया। अगर यही हम एट स्टैंडर्ड स्टेट, एट स्टैंडर्ड स्टेट बात करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ, और ये हो जाएगा ई नॉट सेल, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड स्टेट में बात किया। तो ये था गिव फ्री एनर्जी चेंज और फ्री एनर्जी चेंज का कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से लास्ट बार। During the working of galvanic cell, chemical energy is converted into electrical energy. During this process, EMF is continuously produced by the cell. In this way, the decrease in the energy of the cell is called free energy change or Gibbs free energy change. The free energy change is calculated by electrical work done, and electrical work done is equal to the product of total charge into potential difference between two electrodes. Total charge equal NF and potential difference between two electrode equal E cell. Then NF into E cell equal electrical work done, and electrical work done is equal to free energy change. Then free energy change equal NF E cell. Free energy change is denoted by delta G. Then minus delta G equal NF E cell. Then delta G equal minus NF E cell. So ये आपका final value at standard state. आप यहां देख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एन एफ ई नॉट। अब इसके बाद हम इस डेल्टा जी का वैल्यू का कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम स्टेट में करने जा रहे हैं। तो डिटरमिनेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी नॉट का कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां पर हमने मान लिया कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रहा है, तो इसके अनुसार Q इक्वल क्या लिख पाएंगे बताया जाए, concentration of Zn plus plus aqueous. अब यहां पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये सॉलिड, इसका यूनिट हो जाएगा वैल्यू Zn प्लस प्लस एक्वास अपॉन Cu प्लस प्लस एक्वास, और यहां हम एक टर्म लिखने जा रहे हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो एक कंडीशन जैसे ही अप्लाई किए एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ई सेल का वैल्यू जीरो, और साथ ही साथ क्यू इक्वल क्या हो जाएगा Kc। तो यहां पर Kc और Q इक्वल Zn प्लस प्लस एक्वास और Cu प्लस प्लस एक्वास,
और अब हम नर्नस्ट इक्वेशन का फॉलो करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 2.303 नॉट 298 केल्विन आरटी बाई एनएफ, क्योंकि हमको डेल्टा जी नॉट लाना है इसलिए केसी, और यहां पर हमने इक्विलिब्रियम स्टेट में लिया है इसलिए इस सेल का मान जीरो हो जाएगा। ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी बाई एनएफ लॉग केसी, और यहां पर एक ये पूरा ई सेल जो पॉजिटिव है इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, और ये भी है निगेटिव, इस निगेटिव को अभी कटाएंगे नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको पूरा पूरा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लाना है। ये एनएफ यहां आ जाएगा, और एनएफ यहां आते ही आपको दिखने लगेगा कि आप यहां डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं। और इस पूरे के जगह पर आप अभी जस्ट पढ़ कर रहे हैं तुरंत डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस एनएफ ई नॉट सेल होता है, आगे आपका डेल्टा जी नॉट। तो ये है डेल्टा जी नॉट का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए।